हेलो, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूँ अबू धाबी से मुंबई। मुंबई में आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मुझे आज क्वारंटाइन के और कोविड की वजह से जो फेस करना पड़ी है उसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आप 31 जनवरी से पहले अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ों का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। मैं आया हूँ अबू धाबी से, अगर आप इंडिया आ रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप कहीं से भी जैसे कुवैत, दुबई, सऊदी, यूके, गल्फ में कहीं से भी आ रहे हो, और यूके वगैरह से, दुबई से, शारजा से, महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर, जैसा कि आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के अंदर ही रहते हो, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जो 31 जनवरी से पहले जो लोग मुंबई एयरपोर्ट आने वाले हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो मुंबई एयरपोर्ट में आने से पहले, जैसे आपके अपने एयरपोर्ट पे टिकट करने के बाद में सबसे पहले आपको कोविड रिपोर्ट लाना पड़ेगी, जो 24 आवर की रिपोर्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेल्फ रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डिटेल ये आपको देना पड़ेगी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। तो ये दो कॉपी आपको यहाँ पे रखना पड़ेंगी जब भी आपका बोर्डिंग पास होगा। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो फ्लाइट में मेरे को दो फॉर्म दिए गए थे। वो फॉर्म पे लिखा हुआ था कि हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से फॉर्म था, वो दोनों फॉर्म भरना चाहिए आपको और उसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है। और उसके बाद में जैसे मैं एयरपोर्ट पर आया ड्यूटी फ्री के बाद, मेरा लगेज वगैरह सब निकाला तो एग्ज़िट के पास में मुझे रोक लिया गया। वहाँ पे खूब सारे काउंटर है, उस काउंटर में वहाँ पे लाइन लगा कर हमने पता किया कि भाई आप एग्ज़िट नहीं हो सकते, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल्स है, आपको 7 डेज कंपलसरी महाराष्ट्र में आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा आपको होटल। तो मैं जैसे ही उतरा हूँ तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे हमको ये होटल की लिस्ट दे दी गई है कि आप कोई भी एक होटल आपके हिसाब से आप सिलेक्ट करें और फिर हमारे पास आए तो फिर वो बोर्डिंग कार्ड पे आपकी होटल उसमें वो लोग मेंशन करेंगे कि आप इस होटल में जा रहे हो। आपको 7 डेज होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसा कि आप लोग होटल बुक करेंगे, होटल बुक करने के बाद में आपको वो लोग बोर्डिंग पास पे आपको लिख कर देंगे कि भाई आप इस होटल में जा रहे हो रहने के लिए। आप जिस भी होटल में रहने के लिए जा रहे हैं तो उस होटल का नाम आपको एड्रेस देंगे और फिर आपको वो लोग 50 रुपये लेकर बस के अंदर आपको होटल पर ड्रॉप करेंगे और होटल वाले के रिसेप्शन पे वो जाकर उसकी सिग्नेचर और होटल का स्टैम्प लेंगे कि भाई ये आदमी हमने आपको दिया है, और वो 7 डे तक के आपकी अटेंडेंस लगाएगा और दो उसमें कोरोना टेस्ट भी होगा जिसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा, और आपको होटल का रेंट भी आपको देना पे करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एयरपोर्ट पे मैं 2-3 घंटे तक के मैंने उन लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं ये नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये जो भी कंडीशन है, आप घर से पैसा मंगाएं, कुछ भी करें, आपको ये खुद करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई के हैं तो BMC में आपको जगह दे दी जाएंगी और वो फ्री है, लेकिन इतना बेटर उसका इंतज़ाम नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि आप कोई भी सस्ती होटल, बजट होटल आप देख कर वो बुक कर लें, और कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मिलती है तो उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि मैंने भी पता किया था, काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसा बता रहे थे कि भाई ये 15 जनवरी से ख़त्म कर दिया है होटल क्वारंटाइन जो है, महाराष्ट्र में नहीं रोक रहे हैं, होम क्वारंटाइन होना है, तो वो बिल्कुल गलत है, आप उस चक्कर में ना रहें। वहाँ पे जैसे आप एयरपोर्ट पे जैसे कि आप उतर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 3 लाइन दिखेंगी, आप आउट ऑफ स्टेट महाराष्ट्र है या आप इन महाराष्ट्र के अंदर अलग डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको उस हिसाब से लाइन पहले ही देख के चूज़ करके आपको लगना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक है। दूसरी ये है कि आप अगर 2 आदमी हैं तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए आप पहले ही प्लेन में सेलेक्ट कर लें कि भाई हमको क्वारंटाइन होना है 7 दिन होटल में,
तो हम शेयरिंग में अगर आप लोग किसी को मना लेते हो तो आपके लिए वो थोड़ा शेयरिंग में आपको चीप पड़ जाएगा। जैसे मेरे साथ में था अरजान था और हम लोग, तो मेरे को ये 2500 का ये होटल मिला है पर डे 2500। उसमें 3 मील भी देंगे हमको, फ्री है 3 मील। और काफ़ी सारे लोग अलग अलग आइडिया और काफ़ी सारे लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिए थे लेकिन वो कुछ भी नहीं सक्सेस हुई। सबसे पहले आपको क्वारंटाइन 7 दिन महाराष्ट्र में होना ही पड़ेगा। अगर आप पूना और हैदराबाद, यहाँ से गुजरात जाएंगे, यहाँ से आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपको 7 डेज क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा होटल के अंदर और इसका पूरा खर्चा आपको उठाना है। तो इसके लिए मैं आपको ये एक सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आप तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ आपकी जो फ़्लाइट है उसको आप डिले भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको आना ही आना है तो फिर 7 डेज क्वारंटाइन होना ज़रूरी है। वो चाहे BMC में हो आप फ्री में, या तो आपको 1800 मिनिमम देना पड़ेगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई मेडल होटल देखकर 1000 2000 तक के होटल आप ऐसा देख ले, दो लोग मिल के शेयरिंग कर लें तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं इस होटल में आया हूँ, इस होटल का नाम है होटल एड्रेस इन होटल है, ये साकिना का अंधेरी में टर्मिनल 2 पे ही है पीछे। तो ये हमको दो लोग को 2500 पर डे पे करना पड़ रहा है तो हम लोग शेयरिंग में हमको ये कम में पड़ जाएगी। तो आप भी किसी ना किसी को शेयरिंग में कर लेंगे तो अच्छा है। और देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा रूम है, सिंगल रूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पे हम लोग 7 दिन रुकेंगे। उसके बाद 7वें दिन की रिपोर्ट लेकर हम इंशाल्लाह फिर जाएंगे। हम लोग ने प्लेन में भी क्या क्या वीडियो बनाई हैं, सेफ्टी के लिए सारी किट्स वगैरह दिए थे तो उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा क्योंकि मैं 7 दिन तक के बिल्कुल फ्री हूँ यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।